हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज बेटा हम जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, है ना, क्या किया था लास्ट लेक्चर में? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, है ना, ये चीजें सीखी थी, इंडक्टिव इफेक्ट सीखा था। उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर ऑन इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हालांकि आंसर दिया हुआ बट आपको रीजनिंग के साथ इसका आंसर करना है। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंसीडरिंग ओनली द इंडक्टिव इफेक्ट इज, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? मैंने बताया था CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये कार्बन पॉजिटिव तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठे हैं इसको, तो इस कार्बन पॉजिटिव को कोई नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे उधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो वैसे तो चाहिए इसे नेगेटिव परमानेंटली, बट एज कंपेयर टू जहां दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसके मुकाबले इसे नेगेटिव आयन कम चाहिए। इस पॉजिटिव आयन को स्टेबल करने के लिए तीन लोग हैं, इसे सिर्फ दो लोग हैं, है ना, और इसको सिर्फ एक ही लोग है, एक ही इंसान है, और इसे इसके पास तीनों हाइड्रोजन है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे अनस्टेबल यही रहेगा। यस, क्लियर है ऑर्डर? समझ में आ गया? क्वेश्चन लगाना भी आपको पता होना चाहिए कौन सा कैसे है, क्वेश्चंस के ढंग से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस लगाना शुरू कीजिए, ठीक है? एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस वाली बुक भी मैंने आपको पीडीएफ भेज रखी है आपके ग्रुप बिटली लिंक के ऊपर, तो वहां से आप वो भी देख सकते हैं। डीपीपी और नोट्स, जो डीपीपी और मॉड्यूल वाला फोल्डर है उसमें आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की सॉल्यूशन वाली बुक मिलेगी। दूसरी बुक, आपने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा था बेटा, मैंने आपको सिर्फ बुक शेयर की थी, ठीक है, नथिंग स्पेशल। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, है ना, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? सिर्फ बुक शेयर के लिए मैंने आपको वो ग्रुप दिया था, अभी उसमें और कुछ नहीं हो रहा, वो बंद हो चुका है समझ लो। अब देखो ये सॉल्यूशन दे रखा है, इसके रीजन बता रखे हैं, तो ये आप रीजन आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज को फाइंड करना भाई। अब इसमें नेगेटिव आयन आ गया, सेम क्वेश्चन है, नेगेटिव आयन है, बस कार्बन नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला मतलब इस ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन इधर से भी मिल रहे हैं, इधर से भी मिल रहे हैं, इधर से मिल रहे हैं, तीन बंदे बैठे हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इसके पास खुद के पास भी नेगेटिव है, हाईली अनस्टेबल। यस, क्लियर है? यस सर। 3 डिग्री कार्ब एनायन है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके पास दो बंदे हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और खुद ये नेगेटिव बैठा है, तो ये इसके मुकाबले थोड़ा कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, ज्यादा हो गई। नेक्स्ट वाले में एक है, नेक्स्ट वाला CH3 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, ग्रेटर देन का साइन इधर लगा हुआ, सबसे ज्यादा स्टेबल CH3 नेगेटिव है, उल्टा ऑर्डर हो गया। यस, क्लियर है सबको ये? यस सर। नेक्स्ट देखिए अब जरा, तो भाई इसका भी सॉल्यूशन दे रखा है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अब इसमें बताना है, NO2 लगा हुआ है, CH2 नेगेटिव आयन है, तो CH2 नेगेटिव आयन है, NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, पता है, याद किया होगा आपने। चलो मैं इसका स्ट्रक्चर दोबारा से डिफाइन करता हूं, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर किसी को याद नहीं है तो मैं फिर से इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ NO2 का। NO2 में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O होता है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव है, पता है ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा भाई, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, अब ये कार्बन इस कार्बन से छीनेगा, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया, स्टेबल हो गया NO2 की वजह से। यहाँ पर NO2 देखो क्या है, यहाँ NO2 कहाँ है, इस कार्बन के साथ लगा हुआ, जबकि नेगेटिव कहां है, यहां पर है, ये NO2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इस कार्बन से लेगा, ये इस कार्बन से, थोड़ा लंबा नहीं चलना पड़ गया इसको? क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, ये बिल्कुल डायरेक्ट इसके साथ पास में ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल हो गया, बस सीधी सी बात है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। है ना, तो इस तरह से इसकी आप स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से, याद रखिएगा, इनको लिख कर देखिएगा, ऑब्वियस आंसर दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर, कार्बन आयन है, कार्बन आयन मतलब नेगेटिव चार्ज, NO2 है, NO2 पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होता है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, तो डेफिनेटली ये स्टेबल होगा, इसे स्टेबल बनाएगा, स्टेबल है। साइनाइड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है ये भी, तो साइनाइड और NO2 में NO2 ज्यादा होता है, याद है मैंने बोला था साइनाइड बहुत खतरनाक सीधी छिपकली है ना, उस ऑर्डर को जो आप ऑर्डर आपको लिखवा रखे थे, अगर वो आप सामने रखते हैं उसे फिर से आज रिवाइज करेंगे, ये क्वेश्चंस करेंगे, आपको याद हो जाएगा, है ना। फर्दर नेक्स्ट देखिए, फिर CH2 पर क्लोरीन है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, विथड्रॉइंग भी है, लेगा ना, यस सर, एक्सेप्ट करेगा ना ये। देखो डोनेटिंग कैसे होता है पता है, मैं बताता हूँ, दोनों चीजें,
इलेक्ट्रॉन्स के तीन लोन पेयर होते हैं, ये कभी कभी लोन पेयर डोनेट भी कर देता है ना, इसलिए डोनेटिंग भी है और विड्रॉइंग भी है, बट हम यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो विड्रॉइंग है, लेकिन साइनाइड से कम, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन ये तो बाद में आते हैं सारे, है ना, ऑर्डर में याद है लिंक ऑर्डर। और फिर CH3 तो उल्टा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, डोनेट करेगा नहीं, तो सबसे कम तो ये है स्टेबिलिटी में, सबसे ज्यादा NO2 वाला स्टेबिलिटी में, आपको मतलब NO2 साइनाइड क्लोरीन और CH3 इन्हीं को देखना है कि कौन ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और उसी के बेस पर आपका आंसर आ जाएगा कि कार्बन आयन को कौन अनस्टेबल कर रहा है, क्योंकि बाकी की सारी कंडीशन सेम है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ऐसे ऑर्डर आते हैं भाई, तो देखो थ्योरी वही है जो पढ़ा दी गई, बस क्वेश्चंस को डिफरेंट व्यू से डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रखा है, यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है, सिंपल है। प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो CH3 तीन लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तीन है, यहाँ देखिए ये कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी दिखा रही है, नेगेटिव नहीं है कार्बन, इसकी एक वैलेंसी दिखा रखी है, यहाँ तीन CH3 ग्रुप है, तीन CH3 ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तीनों सबसे ज्यादा, यानी पॉजिटिव आई इफेक्ट जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर, इसमें दो है, इसमें एक है और ये अकेला है, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा, इसी का होगा ना, पॉजिटिव वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इस कार्बन को। क्लियर है सबको? यस सर। वही क्वेश्चन रिपीट है एक हिसाब से देखा जाए तो, बस उसको घुमा के कर रखा है, ठीक है, ये वही ऑर्डर सेम टू सेम दिखा रखा है, फिर इसका रीजन दिखा रखा है, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, मतलब जो कार्बन है जिसके साथ बाकी कार्बन जुड़े हुए हैं, अगर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री होगा, इसके साथ दो कार्बन की चेन्स है तो 2 डिग्री, इसके साथ इस कार्बन के साथ 3 कार्बन की चेन्स है तो इसलिए 3 डिग्री, ऐसा है 1, 2, 3 डिग्री सबको पता होगा, है ना। प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, अब इसकी बताइए, अभी स्ट्रेंथ CH2 पर नेगेटिव है, कार्बन है, अब देखो जब चीजें समझ में नहीं आती उसको एक्सपेंड करके लिख लो, ठीक है, ये वैलेंसी खाली है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सर CH2 की ज्यादा होगी सबसे, फिर इसके बाद NH है इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहां से वैलेंसी खाली है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर भी होता है, बिल्कुल होता है, और इसकी दो वैलेंसियां होगी, तीसरी वैलेंसी की जगह पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके बाद में ऑक्सीजन है, अकेला ऑक्सीजन है, इसकी एक वैलेंसी भरी हुई है दूसरी वैलेंसी की जगह पर, मतलब दो लोन पेयर होते हैं इसके पास, एक और एक्स्ट्रा लोन पेयर है जो नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो ये कुछ ऐसा सीन है। अब देखो भाई आपको इसमें सबसे ज्यादा किसकी लग रही है प्रोबेबिलिटी, प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, ज्यादा डोनेट करेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, yes, sir. है ना, सर CH2 करेगा, CH2 सबसे ज्यादा करेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दोनों से कम है, ये इलेक्ट्रॉन छीनना चाहते हैं ऑक्सीजन और नेगेटिव, इन दोनों पे नेगेटिव है तो देना जरूर चाहेंगे बट इसके मुकाबले कम, कार्बन नेगेटिव चार्ज को टॉलरेट नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, नाइट्रोजन थोड़ा सा अच्छा सहन कर सकता है कार्बन के मुकाबले, ऑक्सीजन थोड़ा और बेटर कर सकता है, ठीक है, तो यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इसकी होगी, फिर इसके बाद इसकी होगी, फिर सबसे कम होगी ऑक्सीजन की, हालांकि इसकी भी काफी अच्छी डोनेशन टेंडेंसी होती है, ऐसे मत समझना कि इसकी है ही नहीं। क्लियर है सबको? यहाँ पर वही चीज सेम आपको दिखा रखी है, ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, नेक्स्ट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में वही चीजें बता रखी है, डोनेटिंग टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अपोजिट होती है, वो चीज समझा रखी है, हम बात कर चुके हैं, व्हाई इज द ऑर्डर, ये ऑर्डर ऐसा क्यों है भाई, ट्रीटियम ड्यूटेरियम फिर हाइड्रोजन, ये ऐसे क्यों होते हैं, ट्रीटियम हैवी मास होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये डोनेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है इसकी, ये सर एक्सेप्ट करेगा ना, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है ना, तो देखिए, और ड्यूटेरियम की कमर ड्यू टू इंक्रीज मास, ठीक है, तो ऑर्डर जो है वो CH CD CT, तो देखो भाई CH क्या है, हैवीर आइसोटोप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, मोर होता है, तो सीटी का इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ उल्टा है, ये बॉन्ड लेंथ बता रखा है उल्टा ऑर्डर जो बता रखा है, कहीं इसको देख के कंफ्यूज हो जाओ। क्लियर है बेटा? यस सर। मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हैवियर आइसोटोप्स, बस ये याद रखना, हैवी वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा, बहुत भारी है तो उसमें वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं, याद है मैंने ये पिछले लेक्चर में बताया था, वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं तो वाइब्रेशन कम होगी, स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट अच्छा कर पाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज,
फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भाई पॉजिटिव इंडक्टर नेगेटिव इंडक्टिव फैक्टर। नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? क्लोरीन की। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ऑर्डर है, है ना? जैसे लिखो वैसे आ जाएगा, बस बात करते हैं, है ना? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है? तो ये ऐसा आ जाएगा, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दैट इज द ऑर्डर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो समझ में आ रहे हैं? वो दो टेबल दी थी ना इंडक्टिव फैक्ट वाली, उनको बस देख लो और उनके हिसाब से कर लो, ऐसे ही है बस, ठीक है ना सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडक्टिव फैक्ट ऑफ द स्पीसीज। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ बताने, देखो भाई फ्लोरीन दे रखा है, ओ एच दे रखा है, एनएच टू दे रखा है। अब ये तो सारे अलग अलग दे रहे हैं, अब क्या करें? फ्लोरीन नेगेटिव नहीं है, ये याद रख लेना। फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन की चेन है सपोज दैट, और यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा दूसरी कार्बन की चेन है, यहाँ पर OH जुड़ा, तीसरी कार्बन की चेन है, यहाँ पर NH2 जुड़ा है, ऐसे हैं। तो कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा रखता है? ये नेगेटिव है, सॉरी। तो नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, है ना? ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। फ्लोरीन की हाइयर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ये ज्यादा करेगा, OH की थोड़ी कम करेगा। नाइट्रोजन डोनेट करेगा ना, NH2 तो डोनेट कर देगा, NH2 के पास लोन पेयर होता है इसलिए डोनेट करेगा। आर यू सेइंग दिस? नेगेटिव नहीं है बेटा ये, वो तो ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर डोनेट होते हैं। डोनेट कोई नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही करेंगे सारे। डोनेट कैसे करेगा? अगर कोई सामने कार्बन की चेन है, देखिए इस एग्जांपल को समझिए, वो भी आप ठीक कह रहे हो, मैं दोनों बातें मानता हूं आपकी, ठीक है? लेकिन एग्जांपल के अकॉर्डिंग ना चीजें चेंज हो जाती होती है। यहां पर फ्लोरीन लगा दिया मैंने, ठीक है? दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 यहाँ पर लगा दिया मैंने OH। तीसरा एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 यहाँ पर लगा दिया मैंने NH2। क्लियर है? अब बताओ, कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होती है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, तो ये एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन भी एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा। यस, क्लियर है? यस सर। पर यहाँ कोई कंजुगेशन बन रहा होता है, डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड इधर आ गया, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, तो इसका लोन पेयर ही एक्सेप्ट कर लेता, फिर उल्टा कर देता, इसका लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता। सेम थिंग यहाँ पर भी है कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो रही है, डबल बॉन्ड इधर आ जाए कंजुगेशन में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है? तो ये इस तरह से ये रेजोनेंस होता है। ये हम रेजोनेंस अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं अभी बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो अभी उसके चक्कर में नहीं पढ़ना आपको, क्लियर है? यस सर। है ना, बाकी सभी भाई सबको क्लियर है ना बेटा? यस, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। तो इसका वो दे रखा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बेटा वही सेम टू सेम ऑर्डर, सेम थिंग इज देयर, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, एक चीज बताता हूँ, जो हम कर रहे हैं ना जीओसी, इट इज ए मेजर पार्ट ऑफ आईआईटी एडवांस लेवल एंड मेंस लेवल, मेजर पार्ट होता है जीओसी, बहुत है जीओसी और हाइड्रोकार्बन। 12th वालों को, 12th क्लास को फिर से जीओसी हम रिवाइज करवाते हैं, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। तो यहाँ जो कर रहे हो डिटेल में ध्यान से कर लेना बेटा, बहुत काम आएगी, 12th में बहुत अच्छे से काम आएगी, ठीक है? जरूर याद रखना। तो देखो, प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्पीसीज। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा भाई? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ये पॉजिटिव है और ये क्या है? ये नॉर्मल NH2 है, तो भाई जो पॉजिटिव होता है वो ज्यादा एक्सेप्ट करेगा ना नॉर्मल के मुकाबले। क्लियर है? यस सर। सीधा आंसर है और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर देखो, पॉजिटिव वाला ज्यादा एक्सेप्ट करेगा और ये नॉर्मल वाला कम करेगा, बात खत्म, है ना? बस ये पता होना चाहिए, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा, पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन एंड एस करेक्टर? हाँ भाई बताओ, एस करेक्टर और हाइब्रिडाइजेशन में है रिलेशन? यस है। यस सर, मैंने बताया था, याद है? यस सर। हाइब्रिडाइजेशन और उसका, चलो हम उसको दोबारा से, अब जरा दोबारा से अटेंड करते हैं। CH3 CH3, तो मैं इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। अभी नेमिंग कर चुके हो ना आप लोग? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो फिर आपको ये पता होगा ये एल्केन होता है ना, कॉमन चीज है, मैं बहुत ज्यादा मुश्किल वाले नेम नहीं पूछ रहा, ठीक है? तो देखो भाई, ये कार्बन क्या है, इसमें चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, इन दोनों का जोड़ जो होता है वही हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल। बस ये दो ही चीजें होती है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें? चार हैं। लोन पेयर कितने हैं? जीरो हैं। जीरो हो गया। एस से शुरू करेंगे भाई, एस से शुरू करेंगे, क्या आ जाएगा? एस का एक ऑर्बिटल पी में, तीन होते हैं टोटल, हो गया चार, चार ऑर्बिटल हो गए,
तो परसेंट कैरेक्टर कैसे निकलता है, 100 को 4 ऑर्बिटल से डिवाइड कर दो, आपके पास आ गया 25% ईच। क्लियर है? तो ईच का मतलब एस जो है वो 25% है, पी कितना है, पी के तीन ऑर्बिटल, 25 25 25 तीनों को जोड़ देंगे ना 75 आएगा, पी का टोटल कैरेक्टर तो 75 आएगा। क्लियर है? यस। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन और एस कैरेक्टर में संबंध है, बिल्कुल लिंक है भाई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लेट मी चेंज द इंक ऑफ द पेन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बना देता हूं, दो हाइड्रोजन इधर हैं और दो हाइड्रोजन इधर हैं, चार वैलेंसी कार्बन की जरूर होनी चाहिए, ये याद कर लेना, चेक कर लेना बार बार। तो अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहता हूँ तो इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तीन सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कितने, जीरो। जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड होता है पाई वाला, तो एक ये वाला बॉन्ड हो गया पाई बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक सिग्मा होता है एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बाकी के दोनों पाई, मतलब डबल हो ट्रिपल हो कोई बॉन्ड हो सिग्मा तो एक ही मिलेगा बाकी के पाई मिलेंगे, है ना। और सिंगल बॉन्ड में तो एक सिग्मा तो होना ही होना है, सिंगल में तो सारे सिग्मा, तो टोटल हो गया थ्री। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, एस पी टू, एस पी टू है ना, दो पी के एक एस का, तीन ऑर्बिटल हो गए, एस से शुरू कर दो और पी फिर डी तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितने ऑर्बिटल हैं उस हिसाब से भरते जाओ। तो टोटल कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, कितना आ गया 33.33%, ठीक है। तो एस कितना हो गया भाई 33.33% और पी, पी के तो दो ऑर्बिटल हैं तो पी कितना हो जाएगा 67% कह सकते हैं, ठीक है। तो एस और पी कैरेक्टर पता लग गया, मैं एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन कम हो रही है, एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा एक इधर लगेगा, तो अगर मैं इस कार्बन की, जिस भी कार्बन की निकालना चाहो इसकी भी वही निकलने वाली है, आप इंडिविजुअली सबकी निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, सिर्फ दो ही सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के, बाकी के तो दोनों पाई बॉन्ड है। तो हमें पता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, लोन पेयर तो है ही नहीं इसके ऊपर, तो इक्वल क्या आएगा 2 प्लस 0 इक्वल आ गया 2, तो दो ही है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी इसकी sp, ठीक है। तो हम मैं कह सकता हूं 100 डिवाइड बाय 2, दो ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितना आ गया 50% ईच। तो यानी कि s कितना हो गया भाई 50% है और p कितना हो गया भाई 50%, दोनों 50-50 हैं। क्लियर है? तो अब आपको लिंक पता लग गया हाइब्रिडाइजेशन और एस कैरेक्टर के बीच में, क्लियर है ना? यस सर, ये हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, ऑब्वियस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब सॉल्यूशन दिखा रखा है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट विल बी मोर। तो एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है, याद रखना अब ये चीज रह गई थी, है ना, therefore inductive effect will be more for group having s character, जिसका s character ज्यादा है, negative inductive effect उसका ज्यादा होता है। क्यों? s character होता है spherical, गोल, तो गोल character क्या करेगा, मान लीजिए ये carbon है, इसके पास में मेरा इस तरह से ये hydrogen और carbon का bond बना हुआ है, इसमें दो electrons है, triple bond, यहाँ पर भी इसमें भी दो electron है, तो ये दोनों electron, ये दोनों carbon की तरफ ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि s character है इसमें ज्यादा, 50% s है 50% p है, यही यानी ये वाला बॉन्ड कार्बन की तरफ ज्यादा है। अब अगर मैं यही कुछ इस तरह का ये करता हूँ, सपोज CH4 का एग्जांपल लेता हूँ, इसमें एक CH को ले लिया, तो इनका जो बॉन्ड है इसमें दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड, लेकिन इन दोनों का जो बॉन्ड है इसमें एक कार्बन की तरफ ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें एस कैरेक्टर कम है 25% है, इसमें एस कैरेक्टर कितना है, इसमें एस कैरेक्टर 50% है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। इस वजह से एस करेक्टर जिसमें ज्यादा होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा छीनता है, तो जो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को छीन रहा मतलब वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्लियर है? तो ट्रिपल बॉन्ड वाला नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा और सिंगल बॉन्ड वाला पॉजिटिव लगाएगा, मतलब पॉजिटिव नहीं, उसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा बस। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काम करता है, तो एस करेक्टर डेफिनेटली ऐसा वर्क करता है। व्हाई Does aldehyde have more inductive effect than ketone? Aldehyde का effect ज़्यादा होता है ketone के मुकाबले। देखो भाई, aldehyde और ketone दोनों के example बना रखे हैं। CH3 अगर मैं example लिखूं, ये aldehyde है। यहाँ पर आप R लगा सकते हैं, यानी CH3 या कुछ भी लगा सकते हैं, कार्बन की चेन लगा सकते हैं। ये खाली होता है, हाइड्रोजन एक साइड में, इधर दोनों तरफ कम से कम एक एक कार्बन की चेन जरूर मिलेगी, तो इसका मतलब ये स्टेरिकली हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। तो aldehyde के पास ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, कैसे, ये देखो जरा,
एल्डिहाइड क्या करते हैं, अब ये याद रख लेना, यहाँ पर आर होगा डेफिनेटली, यहाँ पर एच होगा, किसी भी एक साइड लगा दो। जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है अपना एक बॉन्ड छीन लेता है, ध्यान देना अब इस पे इलेक्ट्रॉन का हिसाब आप लोग मुझे बताओगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया ना, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यस सर, कार्बन पॉजिटिव। एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया, ऑक्सीजन वाला खुद वाला तो है, एक ही नेगेटिव आएगा, जिसकी वजह से कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर है आर, यहाँ पर है एच। सेम चीज कीटोन में भी ऐसे ही होती है, ये देखो ये रहा कीटोन, कीटोन में क्या हो रहा है, कीटोन में भी यही होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, आर कह लो या डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। देखो अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है दोनों तरफ, और एल्डिहाइड में क्या था, एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, इसका मतलब इसको तो दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले बैठे हैं और इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देने वाला बैठा है, तो भाई इस ये ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसे सिर्फ एक साइड से मिल रहे हैं और इसको दोनों तरफ से मिल रहे हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा बट लेस स्ट्रॉन्गली। तो यानी ज्यादा कौन अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन ज्यादा लगाएगा, कीटोन ज्यादा, ओ एल्डिहाइड है ना, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर, क्लियर है ना। याद रखिए जब आप ऑर्गेनिक करते हैं तो नोटबुक लेकर बैठा कीजिए, हो सकता है क्वेश्चन नोट करने का टाइम नहीं मिलता आंसर का नहीं, लेकिन जब मैं कोई चीज बना रहा होता हूँ तो वो आप साथ की साथ मेरे साथ साथ आप उसे लिख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसका सॉल्यूशन दे रखा, आप सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी कंसिडरिंग इंडक्टिव इफेक्ट ओनली, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करते हो स्टेबिलिटी, वही क्वेश्चन सेम है। देखो तीन CH3 लगे हुए हैं कार्बन के साथ में, ये ज्यादा स्टेबल होगा, दो लगे हैं कम स्टेबल, एक लगा बिल्कुल कम स्टेबल, और ये चौथा सबसे कम, याद है सेम क्वेश्चन आ गया, तो बस उसको घुमा के ABCD सीधा दे रखा आंसर। यस क्लियर है सबको? यस। अब यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर टू डिसाइड द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, अब ये थोड़ा सा अच्छी चीज दे रखी है, ये चीज ये देखो सॉल्यूशन पढ़ने चाहिए, जब आपके पास मैं PDF भेजूंगा ये, ठीक है, तो आप सॉल्यूशन जरूर पढ़िएगा। तो देखिए क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ टू डिसाइड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ का प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, DNP को याद रखिएगा, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। सबसे पहले हमें डिस्टेंस देखना है कि वो कितना दूर है, फिर नंबर देखना है, फिर पावर देखना है, उसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना लगा हुआ है, और उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी एसिड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। DNP पहले डिस्टेंस को देखते हैं, भले पावर कितनी भी ज्यादा लगी हुई लेकिन कोई बहुत दूर लगा हुआ है, ये कार्बन पॉजिटिव है और मैं चेक कर रहा हूँ इस कार्बन पे, बहुत दूर है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, पावर का कोई फर्क नहीं अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो। सबसे पहले डिस्टेंस नियर होना चाहिए, फिर नंबर देखा जाता है, नंबर मतलब वो कौन से नंबर पर आ रहा है, ऐसा कुछ बताओ नंबर क्या होगा, बता सकते हो किस नंबर ऑफ कार्बन पे आ रहा है, क्या किस नंबर कार्बन पे आ रहा है, मतलब आप किस नंबर पर, आप कह सकते हैं कि वो उसके डिस्टेंस के जैसा सही है कि कौन से नंबर के ऊपर ये आ रहा है, और पावर मतलब इस कार्बन पे 2 पॉजिटिव कर दूं, 3 पॉजिटिव कर दूं, ये पावर बन जाएगी, तो पावर सबसे लास्ट में इफेक्ट करती है, सबसे पहले ये दोनों इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, जब इसका एग्जांपल आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? हाँ भाई, यस सर, ठीक है, तो यहां तक ये आपको सबको समझ में आ गया ना, अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब हम बात करेंगे रेजोनेंस की। तो अब देखिए रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि रेजोनेंस हम आज करने वाले हैं, तो रेजोनेंस देखो, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये दो बार क्यों लिख दिया, है ना, डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन या फिर अकेला पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे हैं याद रखेगा, या फिर अकेला पाई इलेक्ट्रॉन की डी लोकलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। समझ में आया रेजोनेंस इफेक्ट कॉमनली क्या होता है, पूरा डिफाइन करूंगा बेटा, वेट, ठीक है, डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो हमें पता है किसी एक केमिकल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, ये देखिए एक ये एक केमिकल बॉन्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी इन दोनों सेंटर के बीच में घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं कि ये यहीं बैठा रहेगा, ये यहीं बैठा रहेगा, नहीं, ये इन दोनों सेंटर के बीच में घूमते रहते हैं, ठीक है, इसी को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं,
ये पता है सबको, इलेक्ट्रॉन का एक धुआं सा बन जाता है, क्लाउड, ठीक है, जैसा बादल होता है, क्योंकि वो घूमते रहते हैं, घूम करके घूमते रहेंगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो पुराने टीवी आते थे ना, उनकी ब्लैक एंड व्हाइट, उनके अंदर जब स्क्रीन चली जाती थी, वो बिंदु से डॉट से नजर आते थे। देखे हैं कितने बच्चों ने देखे हैं, हमने तो सबने देखे हैं, जो 90s के बर्थ वाले हैं ना, सब वो जानते हैं ना, आप लोग तो 2000 के बर्थ वाले हो सबके साथ, है ना, तो ऑब्वियस है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो डॉट डॉट से जो होते थे पहले स्क्रीनों में आते थे, नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, जैसे मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी के छत्ते के चारों तरफ घूमती रहती है, घूम करके, है ना, तो वो एक क्लाउड बना देती है बादल सा, क्योंकि वो बहुत तेज घूमता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो बादल के जैसा नजर आने लग जाता है। वो कहाँ है नहीं नजर आएगा, एक बादल सा, जैसे पंखे के पंख चलते हैं, जब फैन चलता है तो आपको फैन नजर नहीं आते, लेकिन एक धुंधला सा चीज नजर आती है ना, उसी को बोलेंगे क्लाउड। समझ में आ गया क्लाउड क्या होता है? यस, क्लियर है सबको? इमेजिन कीजिएगा, इमेजिन, बहुत बढ़िया चीज है ये। उस अब देखो, जब दो इलेक्ट्रॉन्स, दो कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये क्लाउड बना देते हैं, घूमते घूमते यही घूमते रहते हैं, ज्यादा नहीं जाते हैं। इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड, लोकेलिटी इनकी फिक्स है, लोकलाइजेशन, लोकेलिटी फिक्स है, ये इन दोनों के बीच में घूम रहे हैं। बट अगर अगर सोचिए, अब जरा ध्यान देना, मैं यहां पर बना रहा हूं कार्बन डबल बोन, यहां बना रहा हूं कार्बन, यहां बना रहा हूं कार्बन, यहां बना रहा हूं कार्बन डबल बोन और कार्बन, ठीक है। तो आप लोगों ने सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ रखे हैं ना, सिग्मा और पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे इवॉल्व करते हैं वो देखिए। पाई बॉन्ड मतलब ये जो डबल बोन है, ये एक्चुअल में पाई बॉन्ड है, तो ये मैं यहां से इसको पाई बॉन्ड को रब कर रहा हूं, ठीक है, डबल बॉन्ड को, ताकि आपको पाई बॉन्ड का एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझ में आए यहां से। अब पाई बॉन्ड मैं बना के दिखा रहा हूं, देखिए कैसे बनेगा पाई बॉन्ड। यहां पर पी ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में शेयरिंग है, ठीक है, क्लियर है बेटा। दूसरा एक और पी ऑर्बिटल है दोनों कार्बन का, और इनके बीच में शेयरिंग है, ये बन गया पाई बॉन्ड। तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड है। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ये बन गया पाई बॉन्ड, ये भी अपनी लोकेलिटी में है, बिल्कुल यही घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन। बस इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर घूमते हैं और नीचे घूमते हैं, यहाँ भी ऊपर घूम रहे हैं और नीचे घूम रहे हैं, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन बीच में घूमते हैं, यहाँ बीच में घूमते रहते हैं, यहाँ भी बीच में घूमते रहते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलग अलग तरह के बन जाते हैं, ठीक है, पाई और सिग्मा बॉन्ड के, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं पाई बॉन्ड को, या लोन पेयर भी कई बार काम करता है, अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है, जैसे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है एक, ऑक्सीजन फैमिली के पास लोन पेयर होते हैं दो, तो वो लोन पेयर भी रोटेट कर सकता है, वो अपनी जगह छोड़ देगा कुछ देर के लिए, फिर वापस आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन, अपनी लोकेलिटी को छोड़ देना, अपनी जगह को लीव करके दूसरी जगह पर चले जाना। यस, क्लियर है, ये समझ में आया सबको, है ना। यस, तो अपनी लोकेलिटी को कोई छोड़ के चला जाए तब हम उसको डीलोकेलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर लोन पेयर और पाई बॉन्ड आपस में अपनी लोकेलिटी को बदल रहे हैं, लोन पेयर पाई बॉन्ड की जगह आ गया, पाई बॉन्ड लोन पेयर की जगह आ गया, वापस एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे, वो होगा रेजोनेंस। अगर अकेला सिर्फ पाई बॉन्ड घूम रहे हैं तब भी रेजोनेंस। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन जो लिखी है, देखिए ध्यान से, डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन और ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया बेटा, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस समझ में आ गया सबको क्या होता है, ठीक है। अब मैंने तो सिर्फ लोकेलिटी बताई कि ये लोकल एरिया में यहां घूमते रहते हैं, अब ये अपनी लोकेलिटी को छोड़ते कब है, जब छोड़ेंगे ना अपनी लोकेलिटी को, तभी डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल होगा। तो ये डबल बॉन्ड थे और ये अपनी लोकेलिटी को छोड़ देते हैं, तो छोड़ने का मतलब देखिए अब जरा क्या होता है वो बताता हूं। यहां जैसे मैंने आपको ये दिखा रखे हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ऐसे हैं। तो क्या होता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं ना, ये घूमते 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 कभी कभी गलती से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस p ऑर्बिटल में यहाँ आ जाते हैं, आ गए, ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ से तोड़ दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इस कार्बन पे क्या आ गया नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव, यस और नॉट, घूम रहे yes. गलती से कभी कभी इधर चले जाते हैं। अब हम कहें ऐसी गलती सिग्मा बॉन्ड में क्यों नहीं होती, वहां भी होती है, कंडीशन डिपेंड करेंगे किसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसलिए पर्टिकुलर एग्जांपल आपको रट्टा मारना पड़ेगा, जो फैमिलियर हो जाएंगे तब आप खुद बना सकते हैं, लेकिन शुरू में याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं करेंगे कभी समझ नहीं आएगा। ये वाला एग्जांपल जो सामने स्क्रीन पर है याद कर लीजिएगा, यहाँ आ गया
अब मुझे पता है इन दोनों के बीच में भी तो डबल बॉन्ड है ना, एक ये रहा है ना, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जब ये कार्बन पॉजिटिव हो गया तो ये मैग्नेट की तरह इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, यस और नॉट, सोचिए जरा। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था इन दोनों के बीच में, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे दो, अब इसने क्या किया, इसने ये इलेक्ट्रॉन बदल दिया, ये इलेक्ट्रॉन एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, सॉरी एक ही आएगा, एक ही ऑर्बिटल था, एक यहाँ रह गया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, ये दोनों कभी कभी नीचे भी जाते हैं। तो मतलब इस कार्बन का पॉजिटिव चला गया तो पॉजिटिव इस पे आएगा, इस पे, क्योंकि कुल मिला के इलेक्ट्रॉन तो इधर वाला गया ना, इधर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। एक्चुअल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे, जब ये दोनों यहाँ इकट्ठा हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, ये देखिए, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो एक्चुअल में ये वाला इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं घूम के इधर आ गया। समझ गए? यस सर। इसको अब मैं सिंपल करके दिखाता हूँ, देखिए अब सिंपल करके कैसे दिखेगा। ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ आ गया, बहुत ध्यान से करना, पहली बार कर रहे हो और ये बहुत काम आएगा। तो एक्चुअल में मैंने दिखाया फुल हेडेड एरो, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का था, यस और नॉट, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इस कार्बन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? यस सर। अब क्या होता है, साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर ये डबल बॉन्ड पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो जाता है। तो देखो क्या हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन है, वो एक्चुअल में इस कार्बन के पास जाता है, ठीक है, पूरा डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। तो मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूँ, अब ध्यान देना मैंने क्या शो किया, सी एच डबल बॉन्ड यहाँ लगा, सॉरी इसको सिंगल दिखाएंगे, ठीक है, सिंगल हो गया सी एच, ये आ गया डबल बॉन्ड सी एच, और ये आ गया सिंगल बॉन्ड सी एच टू। तो हुआ क्या, ध्यान देना, ये सी एच टू था, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए ना, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए मैंने, क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का, इसी का, इससे तो जो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर है? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, जिसको लोन पेयर कह सकते हैं, लोन पेयर क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं, बॉन्ड बना नहीं रहे, वो दोनों इकट्ठे हैं, पेयर में है, इसलिए पेयर हो गया, लोन पेयर, अकेले दो इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर हो गया और नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर है? कार्ब एनायन बन गया, क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका, डायरेक्ट आपको घुमाना एक सेकंड में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ क्या हुआ था, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का था, ये रहा, ये तो ये रहा, ये इसी कार्बन का है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिंगल बॉन्ड था ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन से इधर आया, आया इसके पास, तो क्या होगा, अब देखो जरा ध्यान देना, इस कार्बन पर जो, अब इसके ऊपर नेगेटिव आया तो इस पर पॉजिटिव आना चाहिए था ना, बट इस कार्बन इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ये लो, ये वाला यहाँ आ गया, आ गया यहाँ पे, है ना? तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, सोचो जरा, तो क्या हुआ भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं आएगा, ये न्यूट्रल रहेगा, ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है। बट इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन छिन गया भाई, ये बीच वाले के तो सेम ही रहे, इसका एक इलेक्ट्रॉन छिन गया तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, ये बन गया पॉजिटिव। तो हम इसको एक ही लोट में कैसे दिखाते हैं, देखो एक ही तरीके से, ये तो आपको डिटेल मैंने दी थोड़ा सा अंदर घुस के, ताकि आपको ये समझ में आए, हम इसको सीधा कैसे दिखाते हैं, जो बच्चों को जनरली फिर पता नहीं लगता कि सर ये ऐसे कैसे कर दिया है ना। तो देखो सीधा कैसे दिखाते हैं, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड पूरा जंप करके इधर आ गया, ठीक है। तो हम सीधा दिखाते हैं, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, एक बॉन्ड पूरा का पूरा, तो इस पे बन गया नेगेटिव चार्ज। आप दो इलेक्ट्रॉन दिखाएं ना दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव अकेला दिखा सकते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड पूरा आ गया CH, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन गया तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्ट ऐसा दिखा देते हैं दो एरो करके, फिर क्या ये रिवर्स हो जाएगा? बिल्कुल, ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड वापस इधर जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वापस छीनेगा, तो ऊपर वाली कंडीशन डिटो फिर से आ जाएगी। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। मतलब क्या हो रहा है, पाई, यहाँ पर सिर्फ पाई बॉन्ड रोटेट कर रहा है। देखो दो पाई बॉन्ड थे ना, एक ये पाई बॉन्ड था ये इधर आ गया, और एक ये पाई बॉन्ड था ये इधर आ गया, फिर वापस क्या हुआ, वापस जाएगा तो ये वाला, मतलब ये वाला लोन पेयर वापस इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड पेयर वापस इधर चला जाएगा, फिर से पहले वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरह से पाई बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है, पाई के साथ साथ कई बार लोन पेयर भी, लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों का रोटेशन होता है। डिफरेंट एग्जांपल्स में डिफरेंट चीजें देखेंगे हम, आगे करेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह की डीलोकलाइजेशन को, अपनी जगह छोड़ रहे हैं वो बॉन्ड,
छोड़ रहे हैं ना अपनी जगह, दो एटम्स के बीच में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है तीसरे एटम के साथ चले गए, तो वहां घूमने लग गए, तो अपनी लोकैलिटी को छोड़ रहे हैं, इससे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, अपनी लोकैलिटी को छोड़कर जाना। वापस भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि वापस नहीं आएंगे, ठीक है, अपने घर से घूमने के लिए गए वापस आ गए, ठीक है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन सारा दिन लगातार यही काम करते रहते हैं 24 घंटे, क्यों ऐसा करते हैं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, हर कोई हर बार ऐसा नहीं करता। अब वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसकी कंडीशन देखो, अल्टरनेट और डीलोकलाइजेशन। जब अल्टरनेट में कंजुगेटेड, जो कंडीशन इसने दे रखी ना, यहाँ देखिए पाई 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 बॉन्ड कंजुगेशन, ये मैंने जो दिखा रखा है यहाँ पे पाई बॉन्ड वाला, ये दोनों पाई बॉन्ड थे, क्या हो रहा है टू पाई बॉन्ड होते हैं सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड और टू पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जब सिंगल डबल, देखो कार्बन 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 कार्बन, यहां पर डबल है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल है, डबल सिंगल डबल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट में, यानी एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है नेक्स्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है फिर नेक्स्ट में सिंगल है फिर नेक्स्ट में डबल है, जब सिंगल डबल इस तरह की कोई क्या होती है, इस तरह की कोई चीज बन जाती है, सिंपली हम इसको कहें कि इस तरह की कोई चीज बन जाती है जब सिंगल डबल वाली इसी मॉलिक्यूल के अंदर, तब क्या होता है उसको हम बोलते हैं कि वो पक्के तौर पर अल्टरनेटिंग में डबल बॉन्ड्स की वजह से पक्के तौर पर रेजोनेंस करेगा, ये कंडीशन है, याद रहेगी अब ये। यस सर। हाँ बेटा कोई कुछ कह रहा है? नो सर। ठीक है, तो यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट में अगर होते हैं तो रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है, सिर्फ इतना नहीं है ये आगे भी है, बट सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। तो देखिए डेफिनेशन बहुत सिंपल लिखी है मैंने, आप नीचे वाली भी पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है, बड़े वाली याद करनी है तो इट्स योर चॉइस, फर्क कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है ना। एग्जाम्पल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, उसके बाद में अल्टरनेट और डीलोकलाइजेशन, इसको बोलते हैं कि अल्टरनेट में होने चाहिए या डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, है ना, एक ही बात। कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट, एक छोड़कर एक, कंजुगेशन जुड़ाव में है, सारे सिंगल हैं कुछ नहीं हो सकता, बीच में दो सिंगल आ गए कुछ नहीं हो सकता। तो देखो भाई अब यहां मैंने सेम एग्जांपल दे रखा, थोड़ी कार्बन की चेन को बड़ा कर रखा है, दिखाई दे रहा है सबको, डबल सिंगल डबल, कार्बन की चेन थोड़ी एक और बॉन्ड डबल कर दिया, तो डबल ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो क्या हुआ, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड इधर आ गया, समझ में आ रहा बेटा, बीच में दो डबल बॉन्ड, वापिस जाएंगे बिल्कुल वापिस जाएंगे, ये यही बन जाएगा बिल्कुल, अल्टरनेट और कंजुगेशन। यस, ये वाला एग्जांपल भी समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ये वाले में चार ही थे, इसमें छह कार्बन आ गए, बस इतना फर्क पड़ा, नथिंग स्पेशल, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल याद होने चाहिए, अपनी नोटबुक अपने साथ रखा कीजिए, जो चीज मैं बना रहा हूँ या जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसी टाइम बनाइए, याद हो जाएगा, फिर दोबारा से रिवाइज करेंगे और एक बार और बना लेंगे, पक्का हो जाएगा, उसके बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखेंगे। ये सिर्फ रफ आइडिया है, ये तो ट्रेलर है ना, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो क्वेश्चन तब लगते हैं जब ये बेसिक चीजें याद हो जाती हैं और हम लोग क्या सोचते हैं, हमें ये समझ आ गया हम क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे, अरे समझ आने से बात थोड़ा बनेगी बेटा, याद करने से बनेगी, है ना। तो पिक्चर अभी बाकी है, चलिए एक्सटेंडेड कंजुगेशन। अब एक्सटेंडेड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक्सटेंडेड वर्ड देखते ही, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्सटेंड करते जाओ, एक एक बढ़ाते जाओ, एक्सटेंड मोर देन टू पाई बॉन्ड अगर होते हैं, या नेगेटिव चार्ज होते हैं या आयन होते हैं, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, आयन मतलब लोन पेयर, याद रख लेना दोनों चीजें लोन पेयर, मैंने बोला लोन पेयर और पाई बॉन्ड यही कंजुगेशन में अगर हो, डबल सिंगल में कहीं हो तो वो रेजोनेंस दिखाएगा। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन का मतलब समझ में आ गया, दो से ज्यादा अगर पाई बॉन्ड है, जैसा कि यहाँ तीन पाई बॉन्ड है एक्सटेंडेड, कम से कम दो तो चाहिए ना, पाई बॉन्ड कम से कम दो हो या एक लोन पेयर एक पाई बॉन्ड हो, ऐसा कुछ हो तभी ऐसा हो सकता है। क्लियर है बेटा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन का मतलब समझ में आ गया? यस सर। क्रॉस कंजुगेशन, अब क्रॉस देखो नीचे एग्जांपल बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल, आपको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मैं बता देता हूँ ऑर्गेनिक में ना पढ़ने वाला कुछ होता नहीं है, ठीक है, अब थ्योरी व्योरी का कोई चक्कर ही नहीं होता, सीधा आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, एग्जाम्पल याद है खुद लिख लो, एग्जाम्पल नहीं याद है कुछ भी लिख लो गलत ही होगा, ये बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या बता रहा है, देखो डबल बॉन्ड है बिल्कुल डबल सिंगल, चलो मैं इसका पेन बदलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर से डबल बॉन्ड, यस क्लियर है?
यस सर। तो ये एक तो ये वाली लाइन बन गई कंजुगेशन की, कंजुगेशन बन गया ना ये वाली लाइन, बिल्कुल बन रही है, डबल सिंगल डबल कोई दिक्कत नहीं है। एक और देखो यहाँ से, ये डबल, फिर मैं कहता हूँ ये सिंगल, फिर मैं कहता हूँ ये डबल, यानी कि ये वाली लाइन ध्यान देना आप जरा, ये वाली लाइन देखिएगा, समझ में आ रहा बेटा, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये भी तो कंजुगेशन है, यस और नॉट? यस सर। इस तरह से दो तरह की कंजुगेशन आपको यहां नजर आ रही है, लेकिन इसको बोलते हैं क्रॉस, कि ये सीधी लाइन में कंजुगेशन जा सकती है, बिल्कुल ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये वाला यहाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसकी बजाय अगर ये डबल बॉन्ड इधर चला जाए तो, क्योंकि है तो ये एक ही कार्बन छोड़ के, और ये इधर चला जाए तो ये सीधा भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, इसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस में वर्क हो रहा है, सीधी लाइन में नहीं है ये, क्रॉस में चल रहे हैं, क्रॉस मतलब वो कांटे का निशान है ना, जो हमारा मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो क्रॉस में जा रहे हैं, सीधे नहीं जा रहे, अपनी अपनी लाइन में जा रहे, एक दूसरे में टांग अड़ा रहे हैं, है ना, दैट इज क्रॉस कंजुगेशन। समझ में आ गया क्रॉस कंजुगेशन का एग्जाम्पल? है ना, सिंपल है, नथिंग स्पेशल, बस ये एग्जाम्पल सीधे याद करना है और इसका कंजुगेशन से फिर रेजोनेंस बना के देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखो, 1,3-butadiene, ये मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी, 1,3-butadiene, इसका नाम है 1 और 3 पर ब्यूटेन है, चार कार्बन की चेन है, 1 और 3 पर डाइईन है, दो डबल बॉन्ड है, डाइईन दो डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड एक ये डबल बॉन्ड, कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड शुरू होता है और एक थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू होता है, हम 1 और 3 का मतलब फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू होगा तो सेकंड में तो पक्का होगा, थर्ड कार्बन से भी डबल बॉन्ड शुरू होगा तो फोर्थ के साथ तो पक्का होगा, ये इन डिफॉल्ट होता है, समझ में आया, जो लिखा हुआ है नंबर तो उससे नेक्स्ट वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड होगा, अकेला कार्बन थोड़ा डबल बॉन्ड हो सकता है, क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये कैसे काम करता है, देखो भाई ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, ठीक है, सेम एज इट इज। अब नीचे उल्टा भी हो सकता है, अब ऐसा थोड़ा कि इधर ही जाएगा, अब ये वाला भी तो डबल बॉन्ड इधर आ सकता था, बिल्कुल ये वाला भी इधर, बट उल्टा करने पर पॉजिटिव चार्ज बस इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, मॉलिक्यूल तो वही रहा, कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं है, कुछ केसेस में फर्क भी पड़ता है लेकिन इस केस में नहीं पड़ता, ठीक है, आगे हम जब एग्जांपल करेंगे वहां आपको समझ में आएगा, क्लियर है बेटा? यस सर। 1,3-butadiene, ठीक है, तो ये अब आप लोगों को कंजुगेशन समझ में आ गया होगा, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड हो उसको कंजुगेशन बोलते हैं, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, है ना, डबल सिंगल ट्रिपल सिंगल, ट्रिपल सिंगल भी हो सकता है, ट्रिपल डबल नहीं होगा कभी, ट्रिपल सिंगल ट्रिपल सिंगल ऐसा होगा, है ना, वो भी हो सकता है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जरा, तो इसी को बोलते हैं रेजोनेंस, तो रेजोनेंस ऐसे चलता है भाई। अब देखिए जरा, कंजुगेशन पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन, अब अगर खाली हो, दूसरी कंडीशन, एक तो कंडीशन हमने बोला अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होनी चाहिए, या फिर अल्टरनेट में डबल और लोन पेयर होना चाहिए, या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज एक ही बात है, नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है खाली, एक खुद का एक दूसरे किसी का लेयर के बैठा हो। अब दूसरी कंडीशन देखिए, पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन, पाई बॉन्ड है यानी डबल बॉन्ड है और एक खाली ऑर्बिटल है यानी कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन, देखो अब इसमें कैसे होता है, इन्होंने जैसे बता रखा है, लेट मी चेक की नेक्स्ट स्लाइड पर मिला, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पर ये बना रखा है मैंने, ठीक है, तो देखो इन्होंने जो बना रखा है यहाँ पर, याद रखना ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन तो इन्होंने दिखा ही रखा है, तो बाकी के हाइड्रोजन है, तो यहाँ CH2 लगा दूं, बिल्कुल लगा दिया, यहाँ क्या लगेगा CH लगेगा, और ये कार्बन इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे भी, एक बॉन्ड बना हुआ एक पॉजिटिव चार्ज है तो दो हाइड्रोजन और लगेंगे, यस और नॉट? ये है एक्चुअल मॉलिक्यूल, ये है जो आपको दिखाया जा रहा है, तो बाकी की सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से आपको इन डिफॉल्ट में कंप्लीट करनी होती है, ज्यादा सोचने का नहीं, चलो हम इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, ये देखो ये है वो असली वाला डायग्राम, CH2 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन CH, तीसरा कार्बन CH2 लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तीसरा कार्बन लगा हुआ है, यस बेटा यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ये वही पीछे वाला मॉलिक्यूल है, मैंने कुछ अलग नहीं किया इसमें, अब इसमें होगा क्या, ध्यान देने वाली बात है, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई सबको, और ये क्या है, ये ऐसे करके डबल बॉन्ड का मतलब यही होता है ना, ऐसे करके यहाँ कंजुगेट, ये एक दूसरे के साथ में ऐसे घूम रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज का खाली ऑर्बिटल क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो ये कार्बन क्या करेगा, कहेगा मेरे साथ पाई बॉन्ड बना लेता हूं, वो गया भाड़ में, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे ये, तो होगा क्या जरा ध्यान देना, ये वाला डबल बॉन्ड पूरा पूरा यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड, अब देखो नीचे ये वाला एरो जो दिखा रखा मैंने, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया,
ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर है, यहीं पर, और दोनों ने बना लिया बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन किसका गया, इसका, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये वाला डबल बॉन्ड टूट गया और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, तो इन दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड और ये वाला कार्बन हो गया पॉजिटिव चार्ज। यस, समझ में आया भाई सबको? यस सर। तो इसे सिंपल कैसे दिखाते हैं, अब जरा सिंपल, ये तो ऑर्बिटल डायग्राम है, सिंपल जो आपको दिखाना वो ऐसे, ये डबल बॉन्ड पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास मिल गया और ये वाला यहाँ आ गया, तो ये इसी के पास है, इन दोनों बीच में बन गया बॉन्ड, इसका पॉजिटिव चला गया, ये बॉन्ड खत्म, यहाँ आ गया पॉजिटिव, बस यही हुआ है। क्लियर है बेटा? तो ये पूरा बॉन्ड इधर गया, इसका पॉजिटिव चला गया, इसे डबल बॉन्ड बन गया, पूरा बॉन्ड इधर आएगा, इसका पॉजिटिव चला जाएगा, पूरा ऐसा है, तो ये दोनों आपस में ऐसे घूमते रहेंगे। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया कैसे हुआ है? Yes, sir. इसका मतलब कार्बोकैटायन और डबल बॉन्ड भी अगर अल्टरनेट में हम, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड वाला जो नेक्स्ट कार्बन है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी ऐसा दिखा सकते हैं। अब ये चीज याद नहीं रहेगी तो क्या करें, एग्जाम्पल याद कर लो, खत्म, एग्जाम्पल याद कर लो, सब याद रहेगा कि हाँ डबल बॉन्ड इधर घूम रहा है, ये रेजोनेंस बना के देख लो, नोटबुक उठाइए अभी बना लीजिए, सिंपल वाला बनाइए, ऑर्बिटल डायग्राम नहीं भी बनाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स नीड नॉट टू ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम जो मैंने पाई बॉन्ड दिखा रखा है, इट्स नीड नॉट, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कभी भी, बस ये तो थोड़ा डीप में जाने के लिए बच्चों को दिखा देते हैं क्योंकि पीछे स्लाइड में ऐसा दिखा हुआ था, हमने भी दिखा दिया और ये चीज आपको अपने आप आ भी जाती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ये खुद ही बनाने आ जाते हैं, ये वाला ही याद होना चाहिए बस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जरा नेक्स्ट देखिए, अब अगर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज हो और पाई बॉन्ड हो तब भी कंजुगेशन हो सकती है, बिल्कुल, पहले पॉजिटिव चार्ज के साथ अब लोन पेयर के साथ है, लोन पेयर के साथ थोड़ा उल्टा काम हो जाएगा बट तब भी हो सकती है, कैसे होती है अब वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या, ये वाला बॉन्ड इधर आ सकता है क्या? अब ये नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, घर से बाहर नहीं आएगा सर, ये घर से बाहर नहीं जाने वाला, ये तो यही रहेगा, तो यानी यहाँ आएगा तो इस कार्बन पे टू नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये तो इसका टॉलरेबल ही नहीं है, तो होगा अब उल्टा होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसी अपने साथ वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, जिससे इस कार्बन पे नेगेटिव आना चाहिए, इसका चला जाएगा, इस पे नेगेटिव आना चाहिए, बट ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन करेगा कि भाई मुझे नहीं नेगेटिव चाहिए, ये कहेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन तू रख ले, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, नेगेटिव आ गए यहाँ, समझ में आया सबको? तो देखो ये वाला डायग्राम ज्यादा जल्दी समझ में आ गया, नेगेटिव चार्ज है इधर आया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, इस पे नेगेटिव आना चाहिए था बट इस पे नेगेटिव नहीं आया क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो इसका मतलब इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया डबल बॉन्ड, रिवर्स चांस, ये इधर आया, ये इधर आया, ये नेगेटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, अब रिवर्स, रिवर्स में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर वापस आएगा और ये वाला बॉन्ड इधर वापस जाएगा। यस, क्लियर है बेटा? ऊपर वाली कंडीशन फिर से आ जाएगी, दोनों कंडीशनें साइमल्टेनियसली चलती हैं, ऐसा मत समझना कि एक इधर आ गया दोबारा परमानेंट हो गया, ना, इधर वाला इधर आया तो उधर वाला उधर आएगा, उल्टा भी होगा इसका हमेशा। क्लियर है? इसी को रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस मतलब लगातार चलते रहना, झूला, रेजोनेंस का मतलब, जब जनरली हम रेजोनेंस का वर्ड का मीनिंग समझाते हैं तो झूला, बच्चे को आपने झूला दे दिया, झूला ऊपर गया तो नीचे पक्का आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे पक्का आएगा, सारा दिन ऐसे चलता रहेगा, बट हम कहेंगे तो थोड़ी देर में रुक जाएगा, वो झूला रुकेगा क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स उसके साथ कुछ गड़बड़ कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन है ये नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इसके साथ नेगेटिव, कभी उसके साथ नेगेटिव, चलता रहेगा। क्लियर है बेटा सबको? है ना, यही रेजोनेंस है। अब आपको समझ आ गया होगा रेजोनेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन बदलता रहता है, डीलोकेलाइजेशन करता रहता है, अपनी लोकेलिटी बदलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, है ना, जैसे गांव में ना जनरली ये देखा गया, गांव में ना दो घर होते हैं, एक चाचा का एक ताऊ का, दो भाई हैं या तीन घर होते हैं, तो एक बच्चा, छोटा बच्चा जिनके घर पे होता है वो कभी ताऊ के घर, कभी चाचा के घर, कभी ताऊ के घर, कभी चाचा के घर, वो घर ही बदलता रहता है, उसकी लोकेलिटी तो फिक्स है लेकिन वो किसी भी घर में कहीं भी जाता है वहां पे खा पी के आ जाता है ना, गांव में ऐसा होता था, आजकल तो शहरीकरण आ गया है
तो भाई चाय भी लोग ना मतलब गिन के पिलाते हैं कि मैं मेरे पास रोज आ जाता है, ये 2 बार चाय पी ली इसने, आज मैं इसके घर जाके चाय पी के आऊंगा है ना, ऐसा सोचते हैं। गांव में लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, वो तो जाके ना चाय नहीं वो दूध पिलाते हैं। पता है मैं जब छोटा था तब, अभी तो बड़े हो गए तो काम में फंस गए, छोटे बच्चे थे तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने जाते होते थे, तो गांव में किसी के घर में भी चले जाओ ठीक है, हर कोई ले भाई दूध पी ले, ले भाई। उस टाइम दूध होता भी बहुत था भाई, आजकल तो मतलब सब लोग थोड़े सेल्फिश टाइप हो गए हैं, बट पहले थोड़ा माहौल अच्छा था। गाँव में भी ऐसा हो गया, ऐसा नहीं गाँव के लोग ही अच्छे होते हैं, नो उनमें भी गड़बड़े आ गई हैं। तो जिस भी घर में जाओ, चाचा ताऊ जो भी हमारे रिलेटिव्स होते थे सबके, किसी घर में जाओ सब जाते ही दूध पिलाते थे, चाय नहीं पिलाते थे दूध पिलाते थे। अब मैं शहर में रहता था बचपन से, शहर से गांव में जाता था तो क्या होता था, सब दूध पिलाते थे, हजम थोड़ा होगा, सुबह लूज मोशन लग जाते थे है ना तो भाई ये जो है ना, इनको लूज मोशन लगे हुए हैं, रेजोनेंस वालों को, ये दोनों कार्बन इधर से उधर, उधर से खेत से घर, घर से खेत, लूज मोशन पे जाते रहते, कभी इधर कभी तू गया कभी मैं गया, इनको ज्यादा दूध पी लिया इन्होंने ठीक है। घी दूध का टाइम था बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, समझ में आ गया भाई, रेजोनेंस समझ में आना चाहिए, सीधी सी बात है, आ गया ना। हाँ बेटा सबको आ गया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड, सुनिए नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड तब भी हो सकता है जैसे आपकी स्क्रीन के सामने है, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड हो, पाई मतलब डबल बॉन्ड होगा तब भी हो सकता है, सिर्फ पाई बॉन्ड हो तब भी हो सकता है। तो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ही होता है, ये लोन पेयर वाला एग्जांपल है, तो लोन पेयर हो और डबल बॉन्ड हो तब भी हो सकता है, और नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या फिर पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर हो तब भी हो सकता है ठीक है। अब देखो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, तो मुझे पता है कि ये डबल बॉन्ड कभी तो यहां होता है और कभी यहां होता है, मतलब कभी ये वाला सिंगल है कभी ये वाला सिंगल है, तो मैं ऐसे ना बना दूं, देखो ये दोनों बॉन्ड सिंगल तो पक्का है लेकिन ये कभी तो ये डबल बॉन्ड होता है कभी ये डबल बॉन्ड होता है, तो मैंने क्या किया इन दोनों के बीच में डॉट लगा दिया, मतलब दोनों डबल बॉन्ड नहीं है एक्चुअल में, दोनों वन एंड हाफ बॉन्ड्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी उधर घूम रहे हैं। यस क्लियर है ये बात? यस सर। बट केमिस्ट्री का एक रूल है, अब एक बात बताता हूँ, केमिस्ट्री का एक रूल है, वो कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन, देखो दो डबल बॉन्ड में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब केमिस्ट्री कहती है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन है ठीक है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है दोनों। अब पाई बॉन्ड में या तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर यहाँ दोनों होने चाहिए है ना, बट ये तो दोनों घूमते रहते हैं लगातार। अब पंखे के पंख घूम रहे हैं, सोचो जरा, मुझे जरा सोच के एग्जांपल दे, पंखे के पंख घूम रहे हैं, घूमते घूमते पंखे के पंख, मैं आपसे पूछूं पंखे का पंख कहाँ है, आप कहां बताओगे, मतलब कोई एक पर्टिकुलर बोलूंगी इस जगह पे बता दो, वहां नहीं है वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, क्या कहोगे, हर जगह है, पूरे राउंड राउंड गोल में सर हर जगह पर पंखे का पंख है ना, हर जगह। यस सर। घूम रहा है और पंखा तो बहुत धीरे घूमता है, आपको लगता होगा बहुत स्पीड से घूमता है लेकिन वो बहुत धीरे घूमता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, वो सेकंड लेसन किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, वहां से कैलकुलेट करके देखना इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी ज्यादा होती है, लाखों किलोमीटर पर सेकंड है ना, हजारों तो पक्का है, लाखों किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से कम होती है, ये याद रख लेना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड तो लाइट चलती है, लाइट से तेज कोई नहीं चलता, तो उससे कम होती है लेकिन फिर भी लाखों किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो इसका मतलब इतनी स्पीड से चलने वाला इलेक्ट्रॉन मैं कह सकता हूँ धुआं सा है, वो दोनों तरफ फैला हुआ है, तो इसलिए एक्चुअल में तो स्ट्रक्चर होता है ये दोनों डबल बॉन्ड जो है दोनों जगह पर है, यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कह सकते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए डबल बॉन्ड की जगह 1.5 होना चाहिए, यस बेटा इधर भी 1.5 होना चाहिए, यस क्लियर है, यस। और ये सच है, हमने 1.5 डबल बॉन्ड ही कैलकुलेट करके देखा है, ये सच है, इतना ही होता है, इसका मतलब एग्जैक्टली अगर एक टाइम पर बात करें तो एक बॉन्ड पूरा और एक आधा बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड, बट केमिस्ट्री कहती है हम 2 के अलावा बॉन्ड मानेंगे ही नहीं, तुम लोग सत्यानाश कर रहे हो, ऐसे नहीं मानते हो, मत मानो, हमें क्या, तो हम ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे डॉटेड लाइन में दिखा देते हैं और बोलते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, असली स्ट्रक्चर तो यही होता है, क्योंकि आप क्या कह दोगे कि ये डबल बॉन्ड यहां पर है
और सर कुछ देर के लिए यहाँ रुक गया और यहाँ कुछ देर के लिए नेगेटिव चार्ज आ गया, कैसा हो सकता है? जब इलेक्ट्रॉन इतना स्पीड से घूम रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ हो ही नहीं सकता। तो आप कहो सर ये अब ये यहाँ आ गया थोड़ी देर बाद, जब तक आप बोलते हो ना तब तक तो लाखों बार चक्कर काट चुका होता है वो। हम एक लाइन बोलते हैं तब तक तो लाखों बार इलेक्ट्रॉन चक्कर काट चुका है। तो इसका मतलब हमारे बोलने से तो बहुत पहले, तो भाई असली स्ट्रक्चर तो नीचे वाला है रेजोनेंस हाइब्रिड, बट इस स्ट्रक्चर से हम डिफाइन कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर होते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये वाले स्ट्रक्चर को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा मानते हैं कि यही सही है, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जिसके बेस पर हम मैकेनिज्म डिफाइन कर पाते हैं। नीचे वाले स्ट्रक्चर के बेस पर कुछ डिफाइन नहीं होता हमसे, लेकिन असली स्ट्रक्चर नीचे वाला ही है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, बट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव हम दिखा देते हैं इधर उधर, वो एग्जिस्ट तो करते ही नहीं है क्योंकि वो बहुत तेज घूमते हैं, तो वो इमेजिनरी होते हैं। बुक्स में लिखा होगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इमेजिनरी होते हैं, समझ में आया, बट वही काम के होते हैं क्योंकि उसके बिना आप कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे। जब आपको यही नहीं पता पंखे का पर कहां घूम रहा है तो आप इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन कर दोगे यार कि ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया फिर इसकी वजह से ये जुड़ गया। हमें तो मैकेनिज्म में दिखाना पड़ेगा दो चीजें जुड़ रही हैं, दो चीजें टूट रही हैं, ये जुड़ गया ये टूट गया नया प्रोडक्ट बन गया, बट इलेक्ट्रॉन तो इतना स्पीडली घूम रहा आप दिखा ही नहीं सकते कि यहां इलेक्ट्रॉन था अभी के नहीं था। तो इसलिए हम रेजोनेटिक हाइब्रिड से कभी भी मैकेनिज्म डिफाइन नहीं कर पाते। मैकेनिज्म डिफाइन हमेशा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से होता है जो कि इमेजिनरी होते हैं, असली नहीं होते क्योंकि वो बहुत स्पीड से घूमते हैं, बट हम कह देते हैं एक बार ये यहां आया होगा, बट इतना बोलने में भी वो लाखों बार चला गया होगा और वापिस आ गया होगा, है ना। समझ में आ गई भी ये कहानी? यस सर, क्लियर है सबको? तो देखो कहानी कुछ भी थी वो ठीक है, लेकिन आपको अब ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर याद करने, जितने भी एग्जांपल्स दिए गए वो एग्जांपल लिख कर याद करके देखने, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने काफी देर से डायग्राम बना हुआ है, नोटबुक हो तो आपने बना भी लिया होगा। अब देखो भी पाई बॉन्ड और लोन पेयर वाला कंजुगेशन, लोन पेयर मतलब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है यहाँ पर, देखिए ये भी अब आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ, कार्बन है डबल बॉन्ड है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, OH क्या होता है अल्कोहल होता है। तो यहाँ देखिए क्या होने वाला है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास दो लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाना चाहिए, ऑक्सीजन हो जाना चाहिए पॉजिटिव, बट ये कार्बन नेगेटिव ना होके ये कार्बन अपना डबल बॉन्ड इधर डोनेट कर देता है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है ये कार्बन है दो हाइड्रोजन लगे हुए थे, यहाँ पर बन जाता है नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, दो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास आ गए, है ना। चलो मैं इसको साफ बना, दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है और ये हाइड्रोजन ऐसा कैसा लगा रह जाता है और एक लोन पेयर यहाँ बच जाता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यस क्लियर है बेटा? तो देखो बॉन्ड ने अपनी लोकैलिटी बदल ली, बॉन्ड ने अपनी लोकैलिटी बदल ली डबल बॉन्ड ने और लोन पेयर की हेल्प से बदल ली, और यहां पर भी क्या हो रहा है डबल के बाद सिंगल बॉन्ड आ रहा है और वो सिंगल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट एटम के पास लोन पेयर था, उसने अपना डोनेट किया, उधर से डबल बॉन्ड खिसक लिया। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? इसका रिवर्स भी होता है, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा ये इधर आएगा। यस बेटा सेम पीछे वाला डायग्राम बन जाएगा रिवर्स करते ही, दैट्स इट, है ना। ऊपर सेम टू सेम डायग्राम बना हुआ है, मैंने सिर्फ इसको रफली बना के दिखाया, ठीक है। तो अब आप ऊपर वाले को देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम यहाँ पर जो बना हुआ है सेम डायग्राम आपका ये इमेज में भी बना हुआ है, इमेज से भी आप चेक कर सकते हैं, नो डाउट टू इट, चॉइस इज योर्स, ठीक है। इमेज से कई बार दिखाई बच्चों को धुंधला सा देता है। तो भाई इस तरह से पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन तीनों के तीनों विद लोन पेयर, ये चारों के चारों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं, इसी डीलोकलाइजेशन को क्या बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं। इनके बीच में जो असली स्ट्रक्चर बनता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, वो डॉट 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 से दिखाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहीं पर नहीं होता, वो घूमता रहता है, और वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर असली होता है रियल होता है लेकिन उसका काम कहीं नहीं आता, उसको याद करो ना करो भाड़ में जाए। जो उसके बाकी के स्ट्रक्चर होते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स वो याद करने जरूरी हैं क्योंकि मैकेनिज्म में वही हेल्प करते हैं। हेयर नेक्स्ट देखो पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल के बीच में भी ऐसा होता है। फ्री रेडिकल क्या होता है पता है, मैंने बोला था एक वैलेंसी खाली रह जाए ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल।
उसके बीच में भी ऐसा होता है, देयर इज ए होमोलिटिक क्लीवेज हैपनिंग हियर, तो यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है भाई। देखो क्या होता है, फ्री रेडिकल, कार्बन है सी एच टू लगा, एक एक बॉन्ड ये रहा, दो हाइड्रोजन, तीन बॉन्ड पूरे हो गए, एक बॉन्ड इसका खाली है और उसने एक इलेक्ट्रॉन भी खाली पड़ा है, यहाँ पे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के साथ क्या करता है, तो देखो भाई डबल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री रेडिकल क्या करता है, कहता है दोनों बांट लो, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने अपने पास ले लिया, यहां से खत्म, तो ये बॉन्ड ही खत्म हो गया, इस कार्बन के पास सिर्फ अब ये बन गया फ्री रेडिकल, क्योंकि बॉन्ड ही खत्म हो गया, यहाँ पे अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब इस और इस इलेक्ट्रॉन के फ्री रेडिकल के बीच में बॉन्ड बन जाता है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए ना इकट्ठे, दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो बॉन्ड बन गया, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। समझ में आया क्या हुआ? तो देखो अब क्या हुआ, नीचे मैंने दिखा रखा, ये देखो ये फ्री रेडिकल ऐसे थे, ये फ्री रेडिकल था, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने लिख रखा सिर्फ समझने के लिए, ऐसा है कि ये बॉन्ड, ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड था और इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं था, ये फ्री रेडिकल था। अब हुआ क्या, हुआ देखो क्या, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया और ये बन गया फ्री रेडिकल, ये रहा फ्री रेडिकल और ये बन गया पूरा बॉन्ड। यस क्लियर है, फ्री रेडिकल दूसरा उधर कोरोना वाला बन गया। हाँ बेटा सबको समझ में आ गया, क्लियर है सबको? ये सर डबल बॉन्ड टूटेगा जैसे, पर ये बता दो टूटेगा कैसे, ये होमोलिटिक क्लीवेज है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, डबल बॉन्ड ऐसे टूटा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया। देखो हाफ हेडेड एरो दिखा रहा है, आधा हेड वाला एरो, आधा हेड वाला एरो मतलब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स बांट लेते हैं, ये दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन बांट लिए और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया तो ये बन गया फ्री रेडिकल, इसका इलेक्ट्रॉन ने क्या किया इसके साथ शेयरिंग कर ली तो ये बन गया एक केमिकल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया, बस इस तरह से वर्क होता है। यस क्लियर है? यस सर। ठीक है तो ये इस तरह से भाई वर्क हो गया यहां पर कंप्लीट। अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, फ्राई रूल, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो आज हम यहीं तक करेंगे बस, ठीक है, बाकी सब बाद में करेंगे। तो यहाँ आपका रेजोनेंस कंप्लीट हुआ है, मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट ही होता है, बस वो डायरेक्शनल होता है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सारे डायग्राम बनाकर देखिए, जो क्वेश्चन हमने आज किया वो क्वेश्चन करके देखिए, पीछे वाले लेक्चर को भी रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, और ये सारा आधे घंटे का काम है, मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं टाइम लगेगा। साथ में आपको एक घंटा क्या करना है, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले लेसन के 10 न्यूमेरिकल सोल्ड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से करने हैं, और मेरे बिटली लिंक पर जाकर वहां आपको डीपीपी और मॉड्यूल के अंदर एनसीईआरटी की सॉल्यूशन वाली बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी का डाउट है तो अब हम डाउट लेंगे। यस सर।